एंड्रयू साइमंड्स ने बीते हुए लम्हों के बारे में कुछ राज की बात खोली है। बता दें कि 2008 में खेले गए सिडनी टेस्ट में भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने उन्हें मंकी यानी बंदर कहा था। हरभजन सिंह ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया था। हरभजन पर पहले 3 मैचों का बैन लगाया गया था, लेकिन बाद में जब भारत ने दौरा बीच में ही छोड़कर जाने की धमकी दी तो दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों में काफ़ी खटास आ गई। इसके बाद हरभजन से बैन हटाया गया। 10 साल बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर अपने खिलाड़ियों के व्यवहार को लेकर चर्चा में है। साउथ अफ्रीका में गेंद से छेड़छाड़ के चलते उसके कप्तान पूर्व स्टीव स्मिथ, उप कप्तान पूर्व डेविड वार्नर को बैन का सामना करना पड़ा है। एक रिव्यू कमेटी ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और उसके कल्चर पर निशाना साधा है। इंग्लैंड में पैदा हुए साइमंड्स के माता पिता में से कोई एक वेस्ट इंडीज के थे। वह अब भी कहते हैं कि हरभजन सिंह ने कई बार मंकी कहा, शायद 2 से 3 बार उन्होंने कहा। इसके बाद मेरे करियर का ढलान शुरू हो गया। साइमंड्स ने कहा कि इसके बाद ही मैं नशे का लत्ती हो गया और इसका असर यह हुआ कि मेरे जीवन मेरे ही इर्द गिर्द घूमने लगा और मेरा करियर भी बर्बाद हो गया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।